असल स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ डरमेटोलॉजी विच इज़ क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शंस सबसे पहले क्या किया गया है कि जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उन्हें उनकी साइट ऑफ इन्फेक्शन की बेसिस पे थ्री टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन सब क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन एंड डीप और सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन उन फंगल इन्फेक्शन को कहते हैं जो कैरेटेइज टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्किन हो गया हेयर्स और नेल्स वगैरह जबकि सब क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन जो है वो डर्मिस और सब टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करते हैं और डीप इन्फेक्शन वो होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं अब वो कौन से स्पीशीज़ हैं जो डीप इन्फेक्शनस करवाते हैं दीज आर क्रोमोमाइकोसिस एंड स्पोरोट्राइकोसिस और इसके अलावा हमें बताया गया है कि सुपरफिशियल इन्फेक्शन कौन से स्पीशीज़ करवाते हैं दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स दीज आर डर्मेटोफाइट्स मेलेसिया स्पीशीज़ एंड कैंडिडल इन्फेक्शन फिर इसके अलावा जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं ये मज़ीद तीन तरह के होते हैं दीज आर ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरियम एंड एपिडर्मोफाइटोन फंगल इन्फेक्शन जो है वो किन पेशेंट्स में कॉमन होते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या दिए गए रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं सबसे पहले क्या है कि एज एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाएगी फंगल इन्फेक्शन का रिस्क भी इंक्रीज़ होता जाएगा इसके अलावा अगर इंडिविजुअल जो है वो मैल नरिश्ड है कोई जेनेटिक प्रीडिसपोजिशन है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है ट्यूबरकोलासिस का पेशेंट है या फिर एच आई वी का पेशेंट है एच आई वी के पेशेंट्स भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं या फिर ट्रांसप्लांट होना है उसे इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दी जा रही हैं फिर भी फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं इसके अलावा अगर डायबिटिक है आजमा है और कैंसर वग़ैरह का पेशेंट है तब भी फंगल इन्फेक्शनस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और इसके अलावा अगर जो है वो अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं रखता तब भी फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं दैन व स्टडी अबाउट डायग्नोसिस फंगल इन्फेक्शन के लिए किस तरह डायग्नोस कर दें सबसे पहली चीज़ होती है स्किन स्क्रैपिंग जहाँ पर इंफेक्शन है वहाँ थोड़ी सी स्किन स्क्रैप कर ली जाती है और उसे माइक्रोस्कोपी और कल्चर के लिए भेज दिया जाता है या फिर हेयर प्लग करके या फिर नेल क्लिपिंग्स ले लेते हैं सो दीज आर थ्री डायग्नोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शंस उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो फंगल इन्फेक्शन है ये क्या है सबसे पहली चीज़ है कि ये कंटेजियस डिज़ीज़ है तो जब भी इसके मैनेजमेंट करेंगे सबसे पहले काउंसिल करेंगे कि जो डिफरेंट चीज़ें वगैरह टावर्स वगैरह क्लॉथ्स वगैरह जो होते हैं वो शेयर नहीं करने दैन वम टू वर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन अगर फंगल इन्फेक्शन माइल्ड है तो सबसे पहले क्या रिकमेंड किया जाता है कि टॉपिकल एंटी फंगल्स दिए जाएँ व्हाट आर द टॉपिकल एंटी फंगल्स इसमें हम अलाइलमाइंस दे सकते हैं विच इज विच इज टर्बीनाफिन और हम कोई एजोल दे सकते हैं लाइक like मिकोनाजोल लेकिन अगर डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है बहुत स्टबर्न है किसी भी तरह जो है वो टॉपिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही देन वी मूव टूवर्ड्स सिस्टमिक ट्रीटमेंट और सिस्टमिक ट्रीटमेंट में हमारे पास ये तीन ड्रग्स आ जाती हैं विच इज़ टर्बिनाफिन एट्राकोनासोल एंड ग्राइसियोफुल्विन अब कह रहे हैं कि अगर तो नेल की इन्वॉलमेंट होती है तो फिर ड्रग्स सेम रहते हैं लेकिन इनका कोर्स जो है वो प्रोलॉन्ग कर देना चाहिए क्योंकि नेल इन्वॉल्वमेंट जो है वो देर बाद ठीक होती है उसके बाद अगर हम बच्चों को देने की बात करें तो बच्चों में जो है वो ओरल ग्रेसिफिल जो है रेकमेंड किया जाता है जबकि एडल्ट्स को कहते हैं कि फीन देना चाहिए और इसके अलावा दूसरी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं हमारे पास वेट फील्ड हो सकता है सिलेनियम सल्फाइड हो सकता है सोडियम थियोसल्फेट एंड कैस्टिलानी पेंट नाव व्यू आर स्टार्टिंग फ्राम डर्मेटोफेटिक इन्फेक्शन डरमेटोफिटिक इन्फेक्शंस को हम टीनिया से डिनोट दिनो, करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीनिया कॉरपोरिस कॉरपोरिस वर्ड हम यूजली बॉडी के लिए यूज़ करते हैं सो डर्मेटोफेटिक इन्फेक्शन ऑफ द ग्लेबरस स्किन इज़ नोन एज टीनिया कॉरपोरिस ग्लेबरस स्किन में हमारे पास वो वोली स्किन आती जो स्मूथ होती है और जो हेयर बियरिंग नहीं होती पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे पहले जो इसमें कौन सी स्पीशीज़ मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं माइक्रोस्पोरियम कैनस जो कि डॉग्स वगैरह से ट्रांसमिट होती है एंड ट्राइकोफाइटोन वेरियोकोसम ये हमारे पास कैट्स वगैरह से आती है अगर तो इसके लीजन्स की बात करें तो पहली बात क्या होगी शेप क्या होती है लीजन की एनुलर होती है एन्यूलर मतलब सर्कुलर शेप होते हैं और इसके अलावा हमें रेडनेस मिलेगी और लीजेंस के ऊपर हमें स्केल्स वगैरह मिलेंगे और जो लीजन के एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प एजेस होते हैं फॉर एग्ज़ैम्पल लाइक दिस दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ टीनिया कॉर्पोरिस अब यहाँ पे आप देखें क्या है हमारे पास कि पहली बार लीजन जो है वो रेड है और ऊपर हमारे पास स्केलिंग वगैरह नज़र आ रही है और जो इसके एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड एजेस हैं और सेंट्रल से क्या होते हैं सेंट्रल से थोड़े क्लियर होते हैं सेंट्रल में इतनी रेडनेस नहीं होती और अक्सर क्या होता है कि पेरीफ्री में हमें क्या मिल रहे होते हैं डिफरेंट पस्ट मिल रहे होते हैं और बिल्कुल इसी तरह के लीजन्स हमें और कौन सी डिजीज में मिलते थे हमें नम्यूलोर एक्जिमा में भी इस तरह के लीज मिलते थे एंड सोराइसिस में भी तो इसकी डीडीज क्या बन सकती है न्यूम्यूलोर एक्जिमा एंड सोराइसिस उसके बाद पार हमारे पास आ जाता है टीनिया फेसियाई टीनिया इज डरमेटोफेटिक इन्फेक्शन ऑफ द ग्लैबरस स्किन ऑफ फेस फेशियाई का डिनोट कर रहा है कि ये इन्फेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेस को इन्वॉल्व कर रहा है लेकिन फ़ेस की भी कौन सी स्किन को सिर्फ ग्लैबरस स्किन को यानी कि अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के जहाँ पे माउस और बियर्ड एरियाज़ होते हैं वो टीनिया फेशियाई में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन अगर बच्चों की बात करें और फ़ीमेल्स की बात करें तो उनके यहाँ ये एरियाज़ भी नॉन हेयर बियरिंग होते हैं तो यहाँ पर जो है वो चिल्ड्रन और फीमेल्स को टीनिया फेशिया हो सकता है यानी कि चेन और अपर लिप्स वगैरह में सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टीनिया फेशियाई इन्वॉल्विंग द चेन एंड द अपर लिप एरिया ऑफ अ चिल्ड्रन क्योंकि चिल्ड्रन में ये एरिया भी क्या होता है ग्लैबरस होता है तो वॉट इज़ टीनिया फेशियाई ये फेस को इन्वॉल्व करता है लेकिन फेस की ग्लैबरस स्किन को इन्वॉल्व करता है दैन कम्स टीनिया बारबी अब टीनिया फेशिया में हमने जो जगहें छोड़ी थी विच आर द बियर्ड एंड माउथस्टेज एरियाज ऑफ द फेस वो कौन कहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं टीनिया बारबी टीनिया बारबी का मतलब क्या होता है डरमेटोफेटिक इन्फेक्शन ऑफ बियर्ड एंड माउथस्टेज एरिया ऑफ द फेस तो फेस पे हमारे पास जहाँ जहाँ ये इन्वॉल्व होगा वहाँ पर स्किन को भी इफेक्ट करेगा हेयर्स को भी इफेक्ट करेगा और हेयर फॉलिकल्स को भी इन्वॉल्व

क्योंकि ये ग्राउंड रीजन्स को इन्वॉल्व करता है और वहाँ से थाइस तक एक्सटेंड कर जाता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है ट्राइकोफाइटोन रुब्रम और यहाँ पे लीजन्स कैसी बनती हैं वही एरथमेटल्स प्लेक्स होती हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इची होती हैं अगर हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें इन्वर्स सुराइस भी आ जाते हैं क्योंकि इन्वर्स सुरस भी फ्लेक्जुरल एरियाज़ को इन्वॉल्व करता है और इसके अलावा इर्द्रैजमा भी आ जाता है इर्द्रैजमा भी मोस्ट कॉमनली ग्राउंड रीजन को इन्वॉल्व करता है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीनिया क्रूरस यहाँ पे क्या है ये लार्ज इर्थमेटस प्लैग बना हुआ है जो कि इच्छी होते हैं कहाँ पर बना हुआ है ग्राउन रीजन पर बना हुआ है और नीचे थाईस तक एक्सटेंड कर रहा है सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टीनिया क्रूरस और इंग्वानेलस देन कम्स टीनिया मैनम टीनिया मैनम इट्स वेरी ईजी ये हम हैंड के डर्माटोफेटिक इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं टीनिया मैनम बोलते हैं टेन कम्स टीनिया टीनिया इनकोग्निटो होता किस वजह से है ये अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ़ टॉपिकल ग्लूकोकोटिकॉइड्स की वजह से होता है तो इसे टीनिया इनकोग्निटो इसलिए बोलते हैं कि इन ड्रग्स की यूज़ की वजह से जो हमारे पास एक टिपिकल लीजन बनते हैं या टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है फंगल इन्फेक्शन की या फिर टीनिया इन्फेक्शन की वो इसमें मिसिंग होती है ये बिल्कुल एग्जैक्टली उन लीजन्स की तरह नहीं प्रेजेंट कर सकते और इसके अलावा ये डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाती है सो दैट्स इट इज़ नोन एज ट इनकॉगनीटो सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टीनिया इनकाग्निटो सी यहाँ पर जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था कि एन्यूलर इर्थमेटर्स प्लैक्स होंगे वेल डिफाइंड एजिज होंगी ऐसा टिपिकल फ़ीचर यहाँ पर क्या है वो एप्सन है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है दैट्स व दीज आर नोन एज टीनिया इनकॉगनीटो वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस रीज़न इज़ इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द ग्लूकोकोटिकॉइड्स

और यहाँ कहाँ पे होते हैं टोर्स के दरमियान में जो वेब स्पेसिस होती है उसको भी बहुत कॉमनली इन्वॉल्व करते हैं एंड इधर एसोसिएट विथ फिशरिंग एंड पीलिंग इसके बाद क्या बता रहे हैं कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनकी डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन होती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीनिया रुब्रम की बात करें तो इसमें क्या होता है एक तो साथ सोल भी इन्वॉल्व होगा और साथ साथ वन पाम भी इन्वॉल्व होगी तो टीनिया रुब्रम की ये प्रेजेंटेशन होती है और साथ साथ लीजन्स में क्या होता है स्केलिंग होती है अगर जो है टीनिया मेंटाग्रोफाइट अगर ये इन्फेक्ट कर रहा हो तो ये साथ साथ वेजिकुलेशन करवाएगा और ब्लस्टिंग वगैरह करवाएगा Uh, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि फेस इन्वॉल्व हो गया बियर्ड एंड माउस्ट एरियाज इन्वॉल्व होते हैं टीनिया बार भी कहते हैं हैंड्स इन्वॉल्व होंगे टीनिया मैनम कहेंगे फुट इन्वॉल्व होगा टीनिया पीडिस कहेंगे ग्राउंड रीजन इन्वॉल्व होगा टीनिया क्रूरस कहेंगे बॉडी इन्वॉल्व होगी टीनिया कॉर्पोरस कहेंगे ना वी हैव नेल्स अगर नेल्स इन्वॉल्व होंगे देन दिस इन्फेक्शन इज नोन एज टीनिया अंगम और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंटेशन क्या होती है वी कैन हैव डिस्कलरेशन paronychia dystrophic nail and superficial white onychomycosis so what is the meaning of paronychia paronychia means nail fold infection for example ये हमारे पास क्या होते हैं नेल फोल्ड्स होते हैं और फंगल इन्फेक्शन में ये रेड हो जाते हैं और स्फोलन हो जाते हैं इसको हम कहते हैं पेरोनाइिया इसके बाद सेकंड टर्म हमने पढ़ी थी सुपरफिशियल वाइट ओनिकोमायकोसिस दिस इज लाइक दिस ओनिकोमाइकोस फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन को कहते हैं नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टीनिया कैपिटस द वर्ड कैपिटल्स इज़ यूज फॉर स्कैल्प तो स्कैल्प के डर्मेटोफेटिक इन्फेक्शन को हम बोलते हैं टीनिया कैपिट्स इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन टीनिया कैपिटल्स के भी फर्दर वेरियंट्स होते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोथ्रिक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक डॉट एंडोथ्रिक्स को हम एंड्रिक्स क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो विद इन द हेयर शैफ्ट होता है एज कम्पेयर टू एक्टोथ्रिक्स जहाँ पे आउटसाइड द शैफ्ट जो है वो इन्फेक्शन है तो एंडस so क्यों एंडोथ्रिक्स कहते हैं क्योंकि इसमें इन्फेक्शन विद इन द हेयर शाफ्ट इन विद इन द हेयर शेफ्ट स्टार्ट होता है इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है दैट इज ट्राइकोफाइटोन टॉन्सोरेंस अच्छा इसको ब्लैक डॉट कहते क्यों हैं क्योंकि जब हम स्कैल्प पे देखते हैं तो हमें बहुत बहुत बहुत, -बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आते हैं असल में वो डॉट्स होते ही क्या है कि जब ये इन्फेक्शन हेयर शाफ्ट को इन्वॉल्व करता है तो वो हेयर लॉस हो जाता है लेकिन जो हेयर्स होते हैं वो रूट्स से बिल्कुल लॉस नहीं होते बल्कि ऊपर ऊपर से जो है वो हेयर uh, लॉस हो जाता है जिसकी वजह से जो नीचे हमारे पास हेयर्स बच जाते हैं वो अगर हम स्कैल्प पर देखें तो वो हमें एज ब्लैक डॉट नज़र आते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथ्रिक्स और ब्लैक डॉट वेरिएंट। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है अच्छा इसमें पैची हेयर लॉस होता है जिसके अच्छा बाद में क्या होता है ब्रोकन हेयर्स जो है वो स्कैल पे रह जाते हैं और वो ब्रोकन हेयर्स हमें एज ब्लैक डॉट नज़र आते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथ्रिक्स अच्छा एंडोथ्रिक्स में बहुत कम इन्फ्लेमेशन होती है और इसमें वुड स्लाइड से जब देखते हैं तो हमें कोई फ्लोरसिन नज़र नहीं आती एज़ कम्पेयर टू एक्टोथ्रिक्स जिसमें हमें फ्लोरसन नज़र आएगी वी हैव एक्टोथ्रिक्स एक्टोथ्रिक्स ऑल्सो नोन एज ग्रे पैच क्योंकि जब इसे स्केल पर देखेंगे तो ये एज अ ग्रे पैच जो है वो नज़र आता है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टोथ्रिक्स एक्टोथ्रिक्स में मैंने क्या बताया क्या होता था इसमें इन्फेक्शन आउटसाइड द हेयर शेफ्ट होता था और ये दो तरह की स्पीशीज से हो सकता है विच इज़ माइक्रोस्पोरियम ओडियोनी एंड माइक्रोस्पोरियम कैनिस माइक्रोस्पोरियम कैनिस वो जो कैट्स एंड डॉग से ट्रांसमिट होता है अगर ये ऑडियोनी की वजह से होता है देन इट कॉज मिनिमल इन्फ्लेमेशन अगर कैनिस की वजह से होगा देन इट कॉज मोर इन्फ्लेमेशन और इसके अलावा क्या है ये हम जब वुड से देखते हैं तो हमें ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस नजर आएगी एक्टोथ्रिक्स में देन वी हैव थर्ड वेरियंट नोन एज कैरियन क्रियोन में हमारे पास क्या होता है एक बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लेमेशन होती है इसको हम बोलते हैं बोगी इन्फ्लेमेटरी एरिया है। और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पस्ट्यूल्स मिलेंगे कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज़म क्या होता है ट्राइकोफाइटोन वेर्यू होता है अब चूंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है इसलिए हमें पोस्ट और लिम्फ एडिनोपैथी भी मिलेगी ये दिखता कैसे इट इज़ जस्ट लाइक दिस ये हमारे पास के एक बहुत बड़ा इन्फ्लेमेटरी एरिया है और यहाँ पे पस वगैरह है मल्टीपल पस्ट्यूल्स हैं इट इज़ नोन एज कैरियन देन वी हैव अनदर वेरिएंट ऑफ टीनिया कैपिटल विच इज़ फेवस फेवस में हमारे पास क्या होता है स्टार्टिंग में फॉलिकल्स के अराउंड रेडनेस एरिथमा वगैरह होते हैं हेयर्स की मैटिंग होती है पर आहिस्ता आहिस्ता लेटर वहाँ पे जाके थिक येलो कलर के क्रस्ट बन जाते हैं और क्रस्ट में हमारे पास क्या होता है स्किन डेबरी होती है फंगल हाइफी वगैरह होती है और इसके अलावा अगर फेवस होते हैं तो बहुत बुरी स्मेल भी आरइज होती है वहाँ से फेवस हमें दिखता है कैसा है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ़ फेवस इसमें जो हमारे पास थिक एडहेरेंट क्रस्ट बने हुए हैं विच इज कम्पोज ऑफ स्किन एंड हाइफी इसको हम कहते हैं स्कूटुला सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेवस टीनिया कैपिटल्स के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास सबोरिक डर्माटाइटस आता है एलोपेशिया एरियाटा आता है एंड सोराइसिस आती है देन कम्स ओनिकोमाइकोसिस ओनिकोमाइकोसिस हम कहते हैं नेल्स नेल प्लेट के फंगल इन्फेक्शन को यहाँ पे हमारे पास नेल्स हो कैसे जाते हैं जस्ट लाइक दिस एक तो येलो ब्राउन डिस्कलरेशन मिलेगी नेल्स में इसके अलावा नेल्स बहुत ज़्यादा क्रम्बल और थिक्कन हो जाएंगे और सब अंगल हाइपर कैरेटोसिस भी मिलती है और नेल विल इन्वॉलमेंट जो है वो ए होती है मतलब ऐसे होते हैं कि कुछ नेल्स जो हैं वो स्पेयर होते हैं और कुछ नेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो टो नेल्स हैं वो इन्वाल्व होते हैं स्टार्ट स्टडिंग कैंडीडियास कैंडीडियास भी हमारे पास सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन होता है लेकिन ये स्किन के साथ साथ म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व करता है और होता किस अच्छा है किस वजह से कैंडिडा एल्बिकांस की वजह से अच्छा फिर कहते हैं कि जहाँ पर हमारे पास वॉम और मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर यह ज़्यादा कॉमन होता है इसके अलावा कह रहे हैं कि वैसे जो है कि इतना वो सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज नहीं करता लेकिन अगर पेशेंट जो है वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो तब ये डीपर टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व कर लेगा और तब जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है एंडिडा की वजह से हमारे पास सेवरल इन्फेक्शन हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन हैव औरल थ्रश और इसके अलावा हमारे पास परलीश हो सकता है परलीश इज एंगुलर किलाइटस और इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास वल्वोजैनल कैंडिडियाज हो सकता है और इसके अलावा कैंडिडा बेलनाइटस हो सकता है बेलनाइटस मीनस इन्फेक्शन ऑफ द पीनस और डाइपर कैंडिडियाज और कैंडिडा पेरोनाइकिया यानी कि नेल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कैंडिडल इन्फेक्शन इसमें जो मोस्ट इंपॉटेंस की डिटेल दी हुई है दैट इज़ कैंडिडल इंटरट्राइगो कैंडिडल इंटरट्राइगो क्या होता है ये इंटर ट्राइजनस यानी कि फोल्डेड एरियाज को इन्वॉल्व करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्जिला को इन्वॉल्व कर लिया इन्फ्रामेमरी फोल्ड यानी कि जो ब्रेस्ट के नीचे जो फ़ोल्ड होता है उसको इन्वॉल्व कर लिया ग्राउंड को इन्वॉल्व कर लिया डिजिट्स के दरमियान वाली स्पेसिस को इन्वॉल्व कर लिया इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या होता है बीफी रेड कलर का पैच होता है पैच भी हो सकता है और इसके अलावा प्लैक भी हो सकता है जिसमें साथ साथ सेटेलाइट हमारे पास पेप्यूज़ यानी कि मेन लीजन यहाँ पर है दिस इज इन्वॉल्विंग द एक्सिला और इसकी पेरीफ्री में हमें क्या मिल रहा है सेटेलाइट पेप्यूज़ मिल रहे हैं और पस्ट्यूज वगैरह मिल रहे हैं सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैंडिडल इंटर ट्राइगो वैन वी है दिस इज़ ऑल्सो अपरफिशियस स्किन कंडीशन और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिजम हमारे पास क्या होता है मेलेजिया ईस्ट मेले ईस्ट के भी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लोबोसा सिंपडियाल एंड फरफर सो इट्स मोर फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व इन वार्मर एंड ही क्लाइमेट्स और जो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स होंगे उनमें इसका इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा सिवियर होगी और परसिस्टेंट इनके बहुत ज़्यादा देर तक ये रहता है इसके लीज़न्स हमारे पास होते कहाँ पे सबसे पहले अपर ट्रंक रीजन्स को इन्वॉल्व करते हैं और ये ओवल इन शेप होते हैं एंड डीज कैन भी मैक्यूस या हाइपो और हाइपर पिगमेंटेड एरियाज होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस ये हमारे पास के ट्रंक का रीजन है और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हाइपो पिगमेंटेड एरियाज़ मिल रहे हैं कभी कभार ज़्यादातर हाइपो पिगमेंटेड होते हैं कभी कभार हमें हाइपर पिगमेंटड एरियाज़ भी मिल सकते हैं सो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ पिटीरियास वर्सिकलर इसके हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम जब हम इसको माइक्रोस्कोपी में देखते हैं हमने स्किन स्क्रैपिंग ली माइक्रोस्कोपिंग में देखा तो हमें इसकी meat, स्पेगेटी एंड मीट जैसे मीट बॉल एंड दीदार स्पेगटीज तो स्पेगेटी एंड मीट बॉल जैसी इसकी करेक्टरिस्टिक अपेयरेंस हमें मिलती है ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं सिलेनियम सल्फाइड दे सकते हैं वी कैन गिव कीटोकोनाजोल शैम्पू और एजोल्स अच्छा देन क्या कहते हैं कि इसकी रिकरेंस जो है ये बहुत कॉमन है क्यों बिकॉज दे आर नॉर्मल स्किन कमेंसर्स ये नॉर्मली भी स्किन में प्रेजेंट होते हैं जैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है तो क्या होते हैं इनका इन्फेक्शन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है इसके इस यही वजह है कि रिकरेंस कॉमन है इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि टॉपिकल एक मेंटेनेंस टॉपिकल थेरेपी पेशेंट को देनी चाहिए ताकि रिकरेंस ना हो और कह रहे हैं कि अगर ये ट्रीट हो भी जाए उसके बाद भी जो कलर में ऑल्ट्रेशन आती है जो हाइपोविगमेंटेड एरियाज होते हैं वो काफ़ी अर्से तक फिर भी परसिस्ट करते हैं uh, यहाँ हमारे पास क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है या हमने जो है इस टॉपिक में मेनली सुपरफिशियल और क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन पढ़े डीपर की तरफ हम नहीं के बिकॉज वी हैव टू वी हैव मेन कंसर्न विद द स्किन कंडीशन एज वी आर रीडिंग डेटोलॉजी मॉड्यूल